अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है दानिश और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वो लोग जो अभी नया मोबाइल लेना चाहते हैं, न्यू मोबाइल या अपना पुराना मोबाइल चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 3 ऐसे मोबाइल्स के बारे में जो आईफोन से बेटर हैं और वो क्यों बेटर हैं, मैं उसकी आपको वजह भी बताऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारे पास पहला मोबाइल है वो है गूगल पिक्सल 3 XL। इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता चलूँ, गूगल पिक्सल 3 XL हमें दे रहा है 6.3 इंचेस की PoLED डिस्प्ले HDR के साथ। दोस्तों, अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ तो ये हमें दे रहा है मेन कैमरा, सिंगल मेन कैमरा है इसका, जो हमें मिलता है 12.2 MP f/1.8 25mm वाइड के साथ, जिसमें हमें कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नाइट साइड, स्लोमो, या फिर आप माइक्रो फोटोज़ भी इसमें इजीली आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो इसका फ्रंट में अपना डुअल कैमरा सेटअप है, जो आपको दे रहा है एक 8 मेगापिक्सल का और दूसरा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के लिए। और अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रंट एंड बैक प्रोटेक्शन की, तो वो दे रहा है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन विद एलुमिनियम फ्रेम के साथ। दोस्तों, उसके अलावा ये हमें दे रहा है IP68 की डस्ट एंड वाटर रिसिस्टेंट। और उसके अलावा जो इस वक्त मार्केट में, हमारे पाकिस्तान में मार्केट में इसके 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, जिसमें से एक वेरिएंट है 4GP 64GP और दूसरा वेरिएंट है इसका 4GP 128GP। दोस्तों, जो 4GP 64GP है वो इस वक्त मार्केट में उसके प्राइस हैं 26,999, और जो इसका 4GP 128GP वेरिएंट है उसके हैं 28,999। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये गूगल पिक्सल मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस प्राइस में आईफोन लेने चलते हैं तो आपको आईफोन 7 मिलेगा PTA अप्रूव 128GP, जिसके इस वक्त मार्केट प्राइस है 29,999, जिसको आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। गाइस, जो गूगल पिक्सल 3 XL के यूज़र्स हैं वो जानते हैं कि हम इसको जब भी कंपेयर करते हैं आईफोन XS के साथ करते हैं, और आईफोन XS की आपको मैं मार्केट प्राइस बताता चलूँ, आईफोन XS की जो मार्केट प्राइस है इस वक्त वो है 76,500। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है उससे आधी से भी आधी कीमत में हमें जब ये मिल रहा है तो हम क्यों आईफोन लेने चलेंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आईफोन से बेटर है, और ये इसकी परफॉर्मेंस, इसकी गेमिंग, इसका कैमरा, हर लिहाज से ये आईफोन 7 Plus 8 Plus आईफोन X से बेटर है। अच्छा दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास जो दूसरा मोबाइल है वो है LG V40 ThinQ। अब LG V40 ThinQ हमें दे रहा है ट्रिपल कैमरा सेटअप। मेन इसका कैमरा वो है 12 MP का स्टैंडर्ड कैमरा। उसके अलावा जो हमें ये सेकंड कैमरा दे रहा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है। उसके अलावा जो ये थर्ड कैमरा हमें दे रहा है कैमरा, वो है 16 MP का अल्ट्रा वाइड के लिए। उसके अलावा दोस्तों, ये है PoLED डिस्प्ले 6.4 इंचेस, इसमें भी फ्रंट एंड बैक गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो फ्रंट पे ये दे रहा है आपको डुअल कैमरा सेटअप दे रहा है, जिसमें एक कैमरा ये दे रहा है 8 MP का, और सेकंड आपको दे रहा है 5 का अल्ट्रा वाइड के लिए और माइक्रो फोटोज़ वगैरह के लिए। दोस्तों, और ये हमें दे रहा है हाई ऑक्टा कोर प्रोसेसर विद स्नैपड्रैगन 845 के साथ। मैं बताता चलूँ, गूगल पिक्सल 3 XL भी हमें 845 स्नैपड्रैगन दे रहा है, जो एक गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा दोस्तों, हमारे पास जो तीसरा मोबाइल है इस लिस्ट में वो है एक्वास R3। अब एक्वास R3 को मैंने इसमें क्यों रखा है, वजह मैं बता देता हूँ। एक्वास R3 दोस्तों एक ऐसा मोबाइल है जो एक्वास यूज़र्स जानते हैं। एक्वास R2 के ही गेमर्स ने यूज़ किया है फॉर PUBG, लेकिन ये उससे एक कदम आगे है। एक्वास R3 एक ऐसा मोबाइल है जो आपको दे रहा है 6 GB वेरिएंट और 128 GB, 6 GB एंड 64 GB, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूद है वो है 6 GB एंड 64 GB। दोस्तों, मार्केट में अगर आप इनके प्राइस लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा LG V40 ThinQ 27,999 PTA अप्रूव। और अगर इसकी मैं बात करूँ एक्वास R3 की, तो ये आपको नॉन PTA मिलेगा 21,999, जिसमें आप 3 मंथ सिम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्वास R3 PTA अप्रूव की, तो वो आपको मिलेगा 31,999। दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि मैं
30K की रेंज में आपको मोबाइल बताऊं और इससे ज़्यादा रेंज ना हो, क्योंकि हम एक परफेक्ट पैकेज चाहते हैं जो हमें अच्छे प्राइस भी हों, अच्छी अच्छी डिवाइस भी हमें मिले अच्छे प्राइस में। तो इस वजह से मैं ज़्यादा हैवी मोबाइल्स नहीं लाना चाह रहा था या हैवी मोबाइल्स के बारे में नहीं बताना चाह, बट ये ऐसे मोबाइल्स हैं जो आपको कंपेयर कर सकते हैं iPhone X के साथ, iPhone XS के साथ, iPhone X Max के साथ। तो इस वजह से ये मैं रेकमेंड करता हूँ अपने यूज़र्स को। और दोस्तों, ये पबजी खेलने वालों को मैं पहले बता दूँ, ये पहला ऐसा मोबाइल है जो दे रहा है 855 स्नैपड्रैगन, और ये जो अपना चल रहा है Ultra HD मोड विद 90 FPS की स्पोर्ट्स के साथ। दोस्तों, ये फर्स्ट मोबाइल है जो आपको दे रहा है डुअल नोच डिस्प्ले, और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, ये दे रहा है 6.3 इंचेस का फुल POLED डिस्प्ले। दोस्तों, ये बैक पे हमें दे रहा है डुअल कैमरा सेटअप, जिसमें दे रहा है 12.2 MP का कैमरा फिर F1.2 के साथ, और जो सेकंड कैमरा ये हमें दे रहा है वो दे रहा है 60 MP का फॉर अल्ट्रा वाइड माइक्रो फोटो नाइट साइट्स अवेलेबल। उसके अलावा दोस्तों, ये जो फ्रंट पे हमें कैमरा सेटअप दे रहा है वो दे रहा है 16.3 MP का। और दोस्तों, मैं बताता चलूँ, ये तीनों मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करते हैं, जो कि 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट में आपका मोबाइल फुल चार्ज कर देंगे। दोस्तों, ये वो तीन मोबाइल हैं जो मैं रेकमेंड करता हूँ हर यूज़र को, हर नए मोबाइल लेने वाले को। उसकी वजह क्या है, एक तो ये इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं, और दोस्तों उसके अलावा अगर मैं खुद अगर किसी मोबाइल डिवाइस को रेकमेंड करता हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ किया इन तीनों में से, वो है Google Pixel 3 XL। दोस्तों, पिछले 6 महीनों से मैं ये मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और परफेक्ट मोबाइल है, चाहे वो फ़ोटोशूट की बात हो, चाहे वो गेमिंग के लिहाज से हो, चाहे वो परफॉर्मेंस के लिहाज से हो। मैं कोई भी अगर मेरा दोस्त है, मेरे फैमिली मेम्बर है, कोई भी, वो उन्हें मैं हमेशा गूगल पिक्सल रेकमेंड करता हूँ। उसकी वजह भी यही है कि इजी अफोर्डेबल प्राइस में हमें मिल जाता है, उसके अलावा परफॉर्मेंस के लिहाज से, गेमिंग के लिहाज से, हर लिहाज से ये आईफोन से बेटर है। सो ये थी कहानी इन तीनों मोबाइल्स की, किड्स मोबाइल्स की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 20K की रेंज में कौन से मोबाइल्स हैं जो आपको लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। तो दोस्तों दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इन तीनों मोबाइल्स में से आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा, या आपको कौन सा मोबाइल समझ में आया, या कौन सा मोबाइल आप लेना चाहते हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल है, आप मुझसे कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।